भाई बूथ भी यही लूटते थे और ईडीएम भी यही लूट रहे हैं। यही यही बहुत बड़ी चीज है कि यही सत्ता में है और यही लूट रहे, तो फिर चुनाव का तमाशा क्यों? गरीब जनता के अरबों खरबों रुपए की बर्बादी क्यों? वो नहीं करनी चाहिए आपको, तो आप ऐसे इलेक्ट कर दीजिए सरकार। ठीक है, निश्चित तौर से ईबीआई से आप नहीं कह सकते कि ईबीएम से गड़बड़ नहीं हुई, ईबीएम से भी उन्होंने गड़बड़ की है और उसके बाद काउंटिंग में भी गड़बड़ की है। ईबीएम में चूंकि जितनी गड़बड़ करनी चाहिए थी इन्हें उतनी कर ली है इन्होंने, उसके बाद भी ये जीत नहीं पाए। आप एक बार फिर देखेंगे कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करेंगे ये, और हम लोग सारे लोग बैठ के तमाशबीन बनेंगे। वोट का कोई मतलब नहीं रह गया, जनता का कोई मतलब नहीं रह गया। जो गुजरात की जोड़ी जो काम करती है वही ठीक है, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही राष्ट्रपति है, वही हाई कोर्ट है, सब कुछ वही सरकार है। आपने देखा होगा कि सर्टिफिकेट जारी करने में कितना समय लगा इनको, आखिर क्यों? जब सर्टिफिकेट आप जारी कर रहे थे तो जो प्रत्याशी जीत रहा था उसको सर्टिफिकेट दे दो। आपने राजद के प्रत्याशियों को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट के लिए कहा कि ठीक है अभी सर्टिफिकेट आपको जारी हो रहा है, बैठिए। और दूसरे पीछे के डोर से, पिछले दरवाजे से आपने एनडीए के प्रत्याशी को सर्टिफिकेट जारी कर दिया, तो ये धांधलीबाजी है सीधे तौर। कई जगहों पर चुनाव आयोग ने कहा कि हम रिकाउंटिंग करा देंगे, बाद में कहा भाई रिकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। आखिर क्यों? जब प्रत्याशी चाह रहा है कि रिकाउंटिंग हो तो क्यों नहीं रिकाउंटिंग होगी? तो इसका तो देखिए, ये जो चुनाव प्रक्रिया है आज भारत की, ये लोकतंत्र को खत्म कर दिया है इन्होंने, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया है। और हमारे ख्याल से बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को, ये जनता के जो खून पसीने की कमाई है, जो चुनावों पे खर्च होती है, इस धांधलेबाजी को, ढकोसलेबाजी को बंद कर देना चाहिए। और इलेक्टेड सरकार है, इलेक्ट हो जाएगी अपने आप, जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दे। सर ऐसा हो रहा है तो जनादेश की हत्या हो रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है आपसे कि लोकतंत्र की हत्या पहली बार नहीं हुई है बिहार, मध्य प्रदेश में यही हुआ है, राजस्थान में यही करने का प्रयास इन्होंने किया है, महाराष्ट्र में यही करने का प्रयास इन्होंने किया है, पिछले गुजरात में इन्होंने यही किया है, अब तैयारी बंगाल की है। आप लोग इसको आरोप कह के हल्का मत कर दीजिए, ये निश्चित तौर से काउंटिंग में उन्होंने धांधलेबाजी की है, और अगर वो धांधलेबाजी नहीं करते तो मैं आज भी कह रहा हूं कि ये बिहार में जीत नहीं पाते, ये अपनी जमानत नहीं बचा पाते। जब मैंने आपको, आपने पिछली बार जब मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने कहा था कि अगर ईवीएम में ये गड़बड़ नहीं करे तो ये अपने प्रत्याशियों की जमानत नहीं बचा पाएंगे, और वो हुआ। ईवीएम में इन्होंने गड़बड़ की है, हम नहीं कह रहे कि ईवीएम में इन्होंने गड़बड़ नहीं की, ईवीएम में पूरी तरीके से गड़बड़ की, उसके बाद भी ये जीत नहीं पाए, फिर उन्होंने काउंटिंग में गड़बड़ की, उसके बाद ही सरकार बना पाई। देखो, जब जीता तो मान लेते हैं, लेकिन सिकंदर तो नहीं मानेंगे। सिकंदर तो तब है जब आप बिना हेरा फेरी के, बिना धांधलेबाजी के आप जीत के आए, आपको लोग माने। कैसे मान लें कि आप जीते? आप सेंट्रल में बैठे हैं, जो चाहे कर रहे हैं। ऐसे तो आप हमारी सरकारें बर्खास्त कर दिए, चुनाव कर क्यों रहे हैं? चुनाव में सरकारें बर्खास्त करिए और अपना सरकार अपनी घोषित कर दीजिए। किस राज्य में नहीं कहा? सब जगह कहा, उत्तराखंड में भी यही कहा, उत्तर प्रदेश में भी यही कहा, मध्य प्रदेश में भी यही कहा, बिहार में भी यही कहा, अब आने वाले बंगाल में भी मैं यही कहने वाला हूं। और अगर ये सरकार इतनी दूध की धुली है तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा देती बंगाल में? बैलेट पेपर से चुनाव करा दे। दूसरी बात आप देखें, बैलेट पेपर लास्ट में क्यों? काउंटिंग जो बैलेट पेपर की हुई बिहार में, वो बाद में क्यों, लास्ट में क्यों हुई? वो पहले क्यों नहीं कराई आपने? तो अगर आप बहुत दूध के धुली है सरकार, और ये गुजरात की जोड़ी जहां है वहां मुमकिन वाली बात जब आप होती है, तो आपको चाहिए कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, राजनीतिक दलों का और देश की जनता का जो अविश्वास है उसे विश्वास में बदल दीजिए। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए, और चुनाव एजेंसी को बिल्कुल निष्पक्ष रहने की बात कहनी चाहिए सरकार को, अपनी पारदर्शिता और अपनी विश्वसनीयता दोनों सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। आज सरकार अविश्वसनीय हो गई है, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे सरकार में, तो निश्चित तौर से आज भी महागठबंधन सरकार बनाएगा। लेकिन चूंकि महागठबंधन सरकार बनाएगा, इसलिए रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे।
देखिए ऐसा है, महागठबंधन अब कैसे सरकार बनाएगी ये तो खैर महागठबंधन के लोगों से पूछा जाना ठीक होगा, लेकिन सरकार निश्चित तौर से महागठबंधन की बनेगी अगर राज्य रिकाउंटिंग करा दें। और कई सारे प्रत्याशी इनके ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आपको याद होगा एक पार्टी है हम, जीताराम मांझी, लास्ट तक मैंने देखा 4 बजे तक मैंने देखा कि वो चारों पीछे चल रहे थे, सारे लोग पीछे चल रहे थे। आखिर 5 बजे वो चारों 4 सीटें जीत गए, एक भी सीट पर नहीं आगे बढ़ रहे थे, 4 सीटें जीत गए। ये क्या है, इन्हें जिसको चाहा उसको जिताया, जिसको चाहा उसको हराया। तो क्या नीतीश कुमार को भी हराया? निश्चित तौर से नीतीश कुमार के साथ तो वो छल हुआ जो छल की उम्मीद शायद कोई किसी के साथ कर नहीं सकता। मैं आज बता दे रहा हूं, नीतीश कुमार की सरकार जो बनी और जिसके चीफ मिनिस्टर डबल इंजन की सरकार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बनेंगे, ये बंगाल चुनाव तक ही रहने वाले हैं। बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी, और बंगाल चुनाव तक भी इसलिए कि महाराष्ट्र की जो दुर्दशा देखी है बीजेपी ने अपनी, इसलिए नीतीश जी को वो कहेंगे और बड़ा एक वो मैसेज देने का काम करेंगे कि हम बड़े साफ सुथरे हैं और हम अपने वादे के पक्के हैं। नीतीश जी की सीटें 47 आई हैं, उसके बाद भी हमने इनको देखो चीफ मिनिस्टर बना दिया, हमारी सीटें 74 थी उसके बाद भी हमने सरकार चलाई। ये सरकार बनवाएंगे, नीतीश सरकार चलाएंगे या चला पाएंगे इसमें अभी बड़ा संशय है। आप सत्ता की लालसा नीतीश को ये बयान देने पर विवश कर रही है। नीतीश जैसा नेता, नीतीश को तो एनडीए का पार्ट ही नहीं होना चाहिए था। पहले जब राजद के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी तो इनको सरकार चलानी चाहिए थी राजद के साथ, इन्हें एनडीए में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन नीतीश को यह डर था कि शायद हमारी सरकार बीजेपी नहीं चलने देगी, इसलिए नीतीश सत्ता की लालसा में राजद को छोड़ के और बीजेपी के साथ चले गए। वापस भी वही पोजिशन है अभी भी बीजेपी। मैं आज एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये कहीं सामने नहीं आएगा कि नीतीश की सरकार बीजेपी नहीं चलने देगी। बीजेपी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी कि सुशासन बाबू खुद ही भागें। अभी तो सिर्फ एक शराबबंदी कानून है, अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी कि नीतीश का जीना दुश्वार कर देंगे ये, और नीतीश की मजबूरी होगी कि बीजेपी की सरकार बनवाना। अभी तो थोड़ी बहुत छवि नीतीश जी की बची हुई है, जब तक उसको पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर देगी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश को बिल्कुल उस हालत में छोड़ देगी कि मतलब ये बिहार में खड़े रहने की स्थिति में नहीं होंगे, ये जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे, इस हालत में करके नीतीश कुमार को छोड़ देगी भारतीय जनता पार्टी। तो क्या नीतीश को छोड़ देना चाहिए एनडीए का साथ? निश्चित तौर से नीतीश कुमार को एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए और महागठबंधन का हिस्सा बनकर सरकार बनानी चाहिए। मैं बिहार की बेहतरी के लिए ये बेहतर होगा कि नीतीश कुमार को एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए, या तो विपक्ष में बैठे, और अगर सत्ता सरकार ही बनानी है तो राजद के साथ मिलकर सरकार बनाए। और मैं तो कहूंगा कि राजद के साथ भी मिलकर ना सरकार बनाए, विपक्ष में बैठे, 15 साल सत्ता सुख भोगा है, 5 साल विपक्ष में बैठ के देखें क्या बुराई है। देखिए ऐसा है कि जेल में डाल दिया जाएगा तो नीतीश जी को पहली बार तो जेल जाएंगे नहीं, समाजवादी नेता है, समाजवादी आंदोलन से जन्मे हैं नीतीश जी और लालू जी। लालू जी को जेल में भले ही डाल दिया हो उन्होंने, लेकिन क्या बीजेपी ने लालू को झुका पाया आज तक? बीजेपी ने अपनी शर्तें मनवा पाई लालू से? तो जो नेता, देखिए आज की स्थिति वही है, नेता जेल जाने से डरने लगे हैं, नेता सड़क पर आंदोलन करने से डरने लगे हैं। अगर नेता जेल जाने से न डरे तो बीजेपी में के नीचे कोई जमीन नहीं है।